देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल सुशासन के रूप में पूर्ण होने पर अजनेरा के अग्रोहा धाम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया। इस लाभार्थी सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने सरकार की सुशासन कार्यकाल की 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई और आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील की। अजनेरा के अग्रोहा धाम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन कार्यकाल के 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जनता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट देने की अपील की। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामेश्वर चौधरी का कहना है कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सक्रिय किया जा रहा है। 1 जून से 30 जून तक बूथ स्तर पर घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर सीकरी के लोकप्रिय विधायक चौधरी बाबूलाल ने बताया कि भाजपा सरकार ने गरीब परिवार के लोगों के लिए गैस कनेक्शन, रहने के लिए मकान, हर घर शौचालय और विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलाया है और आगे भी इसी प्रकार की योजनाओं का लाभ देश की जनता के लिए उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर करती रहेगी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करते हुए भाजपा को समर्थन देते हुए भाजपा को वोट देकर देश का विकास कराएं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अजनेरा से ईशु चेनानी की रिपोर्ट। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाया जाए, इसकी इसी परिप्रेक्ष्य में ये पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज फतेहपुर सीकरी विधानसभा का लाभार्थी सम्मेलन आज यहाँ अजनेरा में आयोजित किया गया। काफी केंद्र सरकार और राज्य लाभार्थी जो जिस कैटेगरी में आता है, अगर उस कैटेगरी में उसने अप्लाई नहीं किया या वो योजना तक लाभ लेना नहीं चाह रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि अब वो सारी योजनाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं, उन्हीं ऑनलाइन योजनाओं के लिए लाभार्थी को खुद ही CSC से जाकर, कहीं से भी जाकर उसको जो आपका केंद्र होता है उससे ऑनलाइन करवा देगा तो उसको योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई भी अधिकारी उसके आवेदन को निरस्त करता है तो उसको उसका कारण लिखना होगा कि इस वजह से इनके आवेदन को निरस्त किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन आदमी को, मैं अगर लाभार्थी हूं और मुझे अगर किसी योजना का लाभ लेना है तो मुझे उसको ऑनलाइन करना होगा, ऑनलाइन करूंगा तो ज़रूर उसका लाभ मुझे मिलेगा।